गजाननम भूति गादि सेवोतम कपीतोजंबु कहूं जो वियोग व्यथा तुलसी कब हम ससुराल न जाते, ससुराल न जाते जो तुलसी रत्नावली की फटकार न पाते। मने रत्नावली जी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की घरवाली। गोस्वामी जी को जब वियोग हुआ, चली गई मायके, तो गोस्वामी जी ने किया क्या? रात्रि में 12 बजे यमुना को पार किया और यमुना के पार पहुंचते ही जब गए तो रात्रि में 12 बजे किसके दरवाजे खुला होंगे, समझ लीजिए आप स्वयं समझदार हैं। हुआ क्या? एक सर्प लटका था, उन्हें लगा रस्सी लटकी है, उस रस्सी को पकड़ा और चढ़ गए रत्नावली जी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा आश्चर्य के साथ, कहा आप इतनी समय कैसे आए? कहा यमुना पार करके आया हूं। बोले यमुना पार करके? बोले यमुना में क्या मिला पार करने के लिए? बोले लकड़ी का सहारा लिया है। लकड़ी कौन थी? एक मुर्दा, फूला हुआ मुर्दा पड़ा था, उतरा रहा था, उसी को पकड़ा और पार हो गए स्वामी जी। पार हो करके जब वहां पहुंचे तो वही मुर्दा किनारे में लगा था। उन्होंने कहा काश इस चाम से जितना प्रेम है, इस चाम से जितना प्रेम आपने मुझसे किया है, काश यही प्रेम प्रभु श्री राम से कर लेते, हो सकता आपका जीवन कृतार्थ हो जाता, आपका जीवन धन्य हो जाता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। बस उसी समय से श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को वैराग उत्पन्न हो गया और चल पड़े। रतिना रतिनावली के दो अक्षर से श्री राम, दो अक्षर मिले श्री रत्नावली जी के द्वारा। रतिनावली के दो अक्षर से भैया जुड़ जाइए। अगर हम बोलना बंद कर देते उसको आप धीमा ना करिए, क्योंकि हमारे पास सुच है, ठीक है ना? आप धीमा कर देते हैं हम उसी दायरे से शुरू हो जाएंगे, आवाज डिस्टर्ब हो जाएगी। सिस्टम से रखो, ज्ञान है हमें। हाँ तो लीजिए। रतिनावली के दो अक्षर से तुलसी गुरु मंत्र, को पाए गयो निज नार तजो घर बार सभी। नारी को त्याग दिया,
घर भी त्याग दिया, जंगल की ओर चल पड़े। निज नार तजो घर बार सभी रघुनाथी के द्वारे, रघुनाथी के द्वारे पे आए गयो। रघुनाथ जी के द्वार पर पहुंच गए, लेकिन इसके बाद किया क्या, कारी क्या किया? ये जो ग्रंथ रखा है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का ही लिखा हुआ है, नहीं तो ये ग्रंथ इतना कठिन था साधारण कोई बांच न पाता है। क्योंकि श्री बाल्मीक जी ने जब इस ग्रंथ को लिखा तो संस्कृत में लिखा और हिंदी में अनुवाद किया श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने, तो हमारे जैसे अनपढ़ लोग भी गा रहे हैं। करी क्या मनमानस की रचना, करके मनमानस की रचना तन अमृत घूंटी पिलाए गए। अगर आप लोग मेरे शब्दों में गौर करेंगे हो सकता है आनंद मिलेगा, क्योंकि मजा का सिस्टम नहीं है मेरे पास है? मैं आप लोगों को मजा नहीं दे सकती और ना ही मजा देने आई हूँ, मैं तो केवल आनंद देने आई हूँ। क्यों वेद महाराज, मजा का समय बहुत पहले निकल गया पीछे, तो लीजिए। कारी क्या मनमानस की रचना, तन अमृत घूटी पिलाए गयो, खुद या पुतरे हम औरन के खातिर, स्वर्ग की सीढ़ी, स्वर्ग की सीढ़ी लगाए गयो। सुनिए आप लोग भजन, बहुत अच्छा भजन इसी में।